हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्नैप वीडियो ऐप में हम सही तरीक़ा से कैसे ड्यूट कर सकते हैं किसी के साथ। दोस्तों, स्नैप वीडियो ऐप में अभी तक कोई ड्यूट का ऑप्शन नहीं आया है और मैं काइंग मास्टर से ड्यूट करके आपको दिखाएंगे बड़ी ही आसान तरीक़े से। ऐसा तरीका आपको कोई नहीं यूट्यूब पर अभी तक बताया है। मैं वीडियो बना चुका हूँ ड्यूट कैसे बनाया, लेकिन एक भाई का कमेंट आया, भाई एक ही गाना में और किसी के साथ हम एक साथ लिपसिंग करेंगे एक ही सॉन्ग में और कैसे ड्यूट करेंगे। तो चलिए हम दोस्तों हम आपको बताते हैं प्रोफेशनल तरीक़ा से कि कैसे आसान तरीका है और सही तरीका नंबर वन तरीका क्या है। अभी तक कोई नहीं बताया है यूट्यूब को, तो इस वीडियो को लास्ट तक आप देखिए। तो दोस्तों, अभी तक इस चैनल पर नया है तो प्लीज सर सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन करिए ताकि हमारे वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिले सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको जो वीडियो के साथ आपको ड्यूट बनाना है उस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है और आपका खुद का वीडियो बनाकर रख लेना है किसी अच्छे कैमरे से, या तो स्नैप वीडियो पे आप अपलोड कर सकते हैं तो वहां से भी उस कैमरे से बनाए हैं वीडियो तो वहां का वीडियो भी डाउनलोड करके आप तो अपने मोबाइल में रख लीजिए, तभी आप ड्यूट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको चलना होगा काइंग मास्टर में और आपको बता दें कि बिना लोगो वाला काइंग मास्टर कैसे डाउनलोड करें, इस पे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाल दिया हूँ, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं उस वीडियो के माध्यम से बिना वाटर मार्क के काइंग मास्टर। तो दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं कि आप यहाँ पे देखिए हमारे काइंग मास्टर में कोई लोगो वगैरह नहीं आएगा। मान लीजिए कि आपको ड्यूट करना है, जो मान लीजिए कि वो खड़ा करके आप मोबाइल में वीडियो बनाते हैं तो ड्यूट करना है, तो आपको यहाँ पे कौन सा साइज सिलेक्ट करना है, तो देखिए 1.1 का आपको रेशियो सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट में 1.1 का हम रेशियो यहाँ से सिलेक्ट किए और करने के बाद देखिए हमारे सामने यहाँ पे खुल गया है और देखिए यहाँ पे हमारे काइंग मास्टर में कोई लोगो देखने को नहीं मिल रहा है। काइंग मास्टर का यहाँ लोगो शो करता है। अब मेरे वीडियो के माध्यम से अगर डाउनलोड करेंगे तो कोई भी आपको लोगो देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको इसमें ड्यूट बनाना है काइंग मास्टर के मदद से। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है, मीडिया पे जाना है और यहाँ पे बैकग्राउंड पे आना है। बैकग्राउंड पे आने के बाद यहाँ पे सिंपल आपको एक ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें बहुत अच्छे दूसरे तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। और देखिए थोड़ा इस पर आपको टैप करना है, इस जो बैकग्राउंड का लेयर पे टैप करना है, इस तरह से पीला हो जाएगा। इसको सिंपल थोड़ा बड़ा कर देना है, जितना सेकेंड का आपका वीडियो है उतना का आप इसको खींच कर बड़ा कर दीजिएगा। और करने के बाद यहाँ पे लेयर पे आपको सिंपल क्लिक करना है और यहाँ से जिस वीडियो के साथ आपको ड्यूट बनाना है उसको अगर लेफ्ट में रखना चाहते हैं तो पहले ले, या राइट में रखना चाहते हैं तो पहले ले। तो चलिए हम एक वीडियो यहाँ से उठाते हैं। देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक वीडियो हम ले लेते हैं। देखिए एक वीडियो मैंने ले लिया और लेने के बाद सिंपल इसे हम इसे साइड में कर देंगे। देखिए यहाँ पे साइड में कर देंगे और इतना पे करने के बाद देखिए मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ साइड में। और मैं इतना करने के बाद यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे काफ़ी सारा ऑप्शन खुल गया है। राइट साइड में कैंची का ऑप्शन है और एक बीच वाला बॉक्स है, उसके बगल में आपको वॉल्यूम है। तो इन दोनों के वॉल्यूम के बगल या कैंची के बगल बीच में जो बॉक्स का ऑप्शन है इस पर आपको सिंपल टैप करना है और यहाँ से ऑफ है। तो आपको अगर लेफ्ट में वीडियो है तो लेफ्ट वाला इस ऑप्शन को चूज करना होगा, अगर राइट में वीडियो है तो राइट वाला को आपको चूज करना होगा। तो देखिए लेफ्ट में है तो हम इस वाले लेफ्ट पे क्लिक किए और देखिए हमारा इसमें हो गया। और मान लीजिए यहाँ से हम इसे सेव कर देंगे और दूसरा वीडियो हमें उठाना है तो फिर से हम लेयर पर जाएंगे और लेयर पर जाने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से दूसरा वीडियो हम ले लेंगे। तो यहाँ से हम दूसरा वीडियो ले लेते हैं। तो चलिए मैं ये वीडियो ले लेता हूँ और लेने के बाद मैं इस वीडियो को भी यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे कर दी और करने के बाद फिर से हमें इस बॉक्स पे क्लिक करना है। अब हम राइट वाले ऑप्शन को उठाएंगे। तो चलिए हम राइट वाले ऑप्शन को उठा लिए। अब उठाने के बाद देखिए ये ऑटोमेटिक यहाँ पर ज्वाइंट हो गया है, आपको कोई यहाँ से ज्वाइंट करने की ज़रूरत नहीं है। और मान लीजिए कि आप ये दोनों वीडियो में दो गाना है, यानी कि आप एक ही गाना के साथ लिपसिंग करना चाहते हैं, अगर एक ही गाना पे दोनों वीडियो है तो सही बात है,
और मान लीजिए कि वो दूसरे गाना का वीडियो है, आपका दूसरे गाना पे वीडियो है, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, मैं एक गाने का वीडियो यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ से वीडियो का ऑडियो यहाँ से बंद कर देता हूँ। तो मुझे मान लीजिए कि नीचे वाला का विष्णु वीडियो का या नीचे वाला हमें वीडियो का ऑडियो बंद करना है, तो सिंपल इस पर हम क्लिक करेंगे और देखिए इस तरह से पीला हो जाएगा। सिंपल आपको यहाँ वॉल्यूम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से इसे जीरो कर देना है। तो देखिए हम यहाँ से जीरो कर दिए हैं, और करने के बाद आपको सिंपल आना है यहाँ, और आने के बाद आपको देख लेना है कि कितना तक चल रहा है और कितना के बाद स्टॉप हो जाना है। उस पर आपको क्लिक करके आपको बाकी का पार्ट को काट देना है। तो यहाँ से हम पीछे काटना है, तो यहाँ पे बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और फिर से हमें देखिए बैकग्राउंड काटना है तो कैंची पे क्लिक करेंगे, फिर से हम पीछे वाले बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये हमारा कट चुका है। कटने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, कटने के बाद देखिए यहाँ से हमारा बनकर रेडी हो गया है। अगर इसमें आप टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं लेयर के माध्यम से, यहाँ से लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते फिर भी छोड़ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको प्ले करके बताता हूँ कितना अच्छा से ये हमारा ड्यूट बना है। देखिए हम आपको दिखाते हैं, देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा से हमारा ड्यूट बना है, देखिए यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ इसे एक्सपोर्ट करना है, ताकि मैं अभी देखिए यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग चला रहा हूँ इसलिए ये नहीं चल रहा है वीडियो सही से। मैं आपको एक्सपोर्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपल हमें इसको क्लिक करना है और एक्सपोर्ट कर देना है। देखिए इसे हम एक्सपोर्ट करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, आप बने रहे हमारे वीडियो के साथ, आप सही से इसे यूज़ करना जान जाए और फिर भी आप देख सकते हैं। देखिए हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस खुला, और यहाँ से हमारा यहाँ 10 सेकंड या 20 सेकंड लगेंगे इसको खोलने में, इतना देर आप कहीं नहीं जाइए और हमारे वीडियो को देखते रहें। और दोस्तों जब आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको एक काम या ड्यूट बनाने नहीं आएगा, फिर आप कमेंट करके बोलिएगा कि आपको ड्यूट करने नहीं आया है, आप फिर से दूसरा वीडियो बनाइए। तो मैं इस पर ऑलरेडी पहले से भी दो वीडियो बना चुका हूँ, मैं आपको सबसे नंबर वन तरीका बताया हूँ। देखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है, और मैं अपने गैलरी में जाकर आपको दिखाता हूँ कि ये वीडियो कितना अच्छा सा चल रहा है। अभी वहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमारा चालू है इसलिए नहीं दिखा है, मैं इसे एक्सपोर्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। इसे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें एक्सपोर्ट करके रखे हैं मैं अपने गैलरी में, वो अच्छा चल रहा है, टाइम मास्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो गया, होने के बाद देखिए मैं आपको जाता हूँ, देखिए यहाँ पर 2 सेकेंड और रुका है, तो यहाँ पर हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो गया। अब चलते हैं हम अपने मैक्स प्लेयर में, देखिए कितना इसका साइज आएगा, कितना बड़ा इसका पर्दा रहेगा स्क्रीन। तो यहाँ पर हम मैक्स प्लेयर ओपन करेंगे, और करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये ओपन हो रहा है। और जाएंगे हम अपने एक्सपोर्ट फाइल में, और एक्सपोर्ट फाइल में जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट लिख रहा है, न्यू वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हमारे सामने देखिए ये वीडियो रेडी हो जाएगा चलने के लिए। तो हम आपको दिखाते हैं, देखिए देखिए यहाँ पे वीडियो काफ़ी अच्छे से चल रहा है, वहाँ पर आपको नहीं ठीक से दिखाई दे रहा था ताकि कि हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा था, और इसमें बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। अभी भी थोड़ा मोरा स्क्रेच है, ये मेरे स्क्रीन रिकॉर्डिंग अभी ऑन है इसलिए इतना हमको स्क्रेच दिखाई दे रहा है। दूसरा वीडियो यहाँ पे देखिए, ये भी एक है उसी टाइप का वीडियो, ये भी स्क्रेच में आपको दिखाई देगा ताकि हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू हो। तो आप जब भी ड्यूट बनाएंगे तो बहुत अच्छे से दिखाई देगा, मैं अभी बंद कर दूंगा तो बहुत अच्छे से दिखाई देगा, और जब मैं बंद करके आपको दिखाऊंगा कैसे, जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरा चालू नहीं रहेगा। इस तरीके से आप ड्यूट बना सकते हैं किसी भी ऐप के लिए, आप अपने मोबाइल से ही टाइम कर सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो लोग भी जाने सही तरीक़े से हम ड्यूट कैसे बनाएंगे। तो मैं MP लाल मिलूँगा आप सबसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।